हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जाने वाले हैं एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करने। अभी मैं फिलहाल हूँ यूपी में और अभी मैं जो प्लेस पे जा रहा हूँ वो बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे 7 और 7 बजे हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, क्योंकि शाम के टाइम रात के टाइम वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं। इसलिए मैं भी उनकी बात को सुन के मैं शाम और रात में नहीं जा रहा हूँ। बट ये सारी चीज़ें एक्चुअली होती है ऐसी। अभी आप लोग लगता रहेगा नहीं फेक है, ये है वो है, तो बट सीरियसली गाइस ऐसा एक दो बार खुद मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं उनकी बात सुन के भाई रात में नहीं जा रहा हूँ। मॉर्निंग के 7 बजे ही मैंने सोचा चलो चल के एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ कैफू के साथ। तो कैफ ने मुझे वो जगह के बारे में बताया। तो कैफ, एक्चुअली में हुआ क्या था वो जगह पे जो ऐसा मतलब हॉन्टेड प्लेस हो गया? वहाँ पे एक लड़की की हत्या हो गई थी भाई। तो फिर वो इंसिडेंट की वजह से कभी भी आप रात में जाओगे वहाँ पे आए दिन इंसिडेंट होते रहता है। अगर शाम में रात में जाओगे आप तो इंसिडेंट होते रहता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही निकल गया हूँ। और गाइस यहाँ का व्यू देख लो, ये सारे व्यू ना मुंबई में देखने नहीं मिलते, बहुत ही पीसफुल लग रहा है। बस एक प्रॉब्लम है जो कि गर्मी एक्सट्रीम लेवल का भाई। 10 बजे के बाद जो धूप हो जाती है ना, फिर तुम बाहर नहीं निकल सकते, मतलब बहुत खतरनाक धूप हो रही है। तो अभी बस वो चलते हैं प्लेस पे, थोड़ा एक्सप्लोर करते देखते क्या है कैसा है। जब से इसने मुझे बताया ना वो प्लेस के बारे में, एकदम एक्साइटेड था मैं कि भाई बस सुबह हो और वो लोकेशन पे पहुंचना है मुझे। जैसी मॉर्निंग हुई फ्रेश हुआ और मैं डायरेक्टली निकल गया हूँ। सो चलते हैं अभी वो प्लेस पे। तो ये वो लोकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये लोकेशन के बारे में मैं इतना कुछ सुन लिया हूँ कि भाई मैं बहुत ही एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। और ये लोकेशन देख के आप लोगों को भी लगता रहे अबेंडेंट प्लेस है। एक्चुअली यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था। अभी जस्ट मैं यहाँ बात कर रहा और मेरे गूज़बम्स आ गए हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। तो ये आप लोगों को नहीं फील होगा क्योंकि मैं सुना हूँ। तो आ जाओ चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे क्या है। यहाँ के जो लोग हैं उनको ये लोकेशन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। यूपी में ये सारी चीज़ें बहुत है। ऐसे अभी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तो जितनी भी प्लेस रहेगी जितना भी हो सकेगा मैं उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। आ जाओ चलें। बात करूं तो पहले ये स्कूल हुआ करता था और यहाँ पे एक लड़की की मौत हो गई। वो टॉपिक पे मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो टॉपिक पे हम बाहर बात करेंगे। उसके बाद से ये प्लेस अबेंडेंट हो गया, इसकी हिस्ट्री मैं बाद में बताता हूँ, पहले आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। तो अभी हम सेकेंड फ्लोर पे आ गए हैं और सेकेंड फ्लोर पे भी आप लोग देख ही सकते हो। दूसरी सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी से आने के लिए अंदर से। ये क्या है? सीरियसली बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है गाइस। ये चीज जो फील हो रही है ना आप लोग देख सकते हो, पूरा अंधेरा हो रखा है और काफी बड़ा है यार ये। हाँ, और यहाँ पे भी सीढ़ी दी हुई है, दो सीढ़ी है। अभी मेरे को सही में बोलूँ तो अंदर से डर लग रहा है, वो जो देख रहा था ना अंदर बहुत ही डरावना लग रहा है। तो मैं थोड़ा उस साइड नहीं जाऊंगा, इस साइड आऊंगा। कैफ, कैफ, मैं बोला कहाँ चले गया? वहाँ पे कितना डरावना लग रहा है अंदर, बहुत डरावना है भाई। ये तो ठीक है थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सामने से रोड दिख रहा है तो वो वाइब नहीं आ रही। ये ठीक लग रहा है, बहुत बड़ा यार ये, इतना बड़ा स्कूल था। अंदर देखने में इतना डर लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं दिन में आया हूँ तो ऐसा फील हो रहा है। जो लोकेशन पे आप जा रहे हो अगर वो लोकेशन के बारे में पहले से पता हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा तो डर अपने अंदर बैठा ही रहता है। ये जो लोकेशन है मैं बता रहा हूँ, अब इतना दिन है और इसके अंदर आप लोग देख लो, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही डरावना लग रहा है ये। और ये तो और अभी ये कैश शायद ऊपर जा रहा है। कितने फ्लोर का ये? 4-5। तो अभी हम और एक फ्लोर ऊपर आ गए हैं। और ये नीचे क्या हुआ करता था? ये एक्चुअली है क्या? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या चीज़ बना हुआ। हाँ, अबेंडेंड हो गया है सब बराबर। कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही, नेगेटिव वाइब आ रही है। आजा बाहर जाएंगे, कि ऊपर टेरेस है और जाने दो, छोड़ो। नेगेटिव वाइब आ रही है तो यहाँ से अभी बाहर निकलेंगे। ये अबेंडेंड प्लेस के बारे में बात करूँगा कि क्या था, कैसा था, क्यों हुआ था। सो अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। अगर रात में आप यहाँ आ रहे हो ना तो एड़ भग जाएगी।
अभी हम जब जाने के टाइम गए थे वो सीढ़ी से गए थे और हमारे ये सीढ़ी से लिटरली गए, हम वही सीढ़ी से उतर रहे थे बट पता नहीं कैसे ये वाली सीढ़ी पे आ गए। जो भी रीजन होगा आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, बट सच में हम गए थे वहां से और उतर रहे यहां से और ये कैसे पॉसिबल हुआ पता नहीं। और जाने के टाइम मुझे पता ही नहीं था कि यहां पे भी कोई सीढ़ी है, खाली मुझे वही सीढ़ी पता था। अभी आते हैं ये 100 प्लेस पे हुआ क्या, बात करते हैं वो टॉपिक पे। तो अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये जो 100 प्लेस है ये पहले स्कूल हुआ करता था और इस स्कूल में एक लड़की की हत्या हो गई और वो हत्या कैसी हुई ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है। तो उसके बाद से ये प्लेस पे इंसिडेंट होने लगे, रात में चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, रोने की आवाज़ आने लगी। तो इसके आसपास में जो भी लोग हैं उन लोग बताते हैं कि यहाँ से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं और फिर आए दिन यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं और रीज़न एक ही है ये प्लेस, ऐसा कहते हैं लोग। तो वही चीज़ मैं मेरे वर्ड्स में दोहरा रहा हूँ, ये लोकेशन पे रात में आना बहुत ही रिस्की है, सामने हमारे हाईवे टच है तो बट यहाँ पे लोग शाम के बाद नहीं आते ऐसा लोग कहते हैं। तो ये टॉपिक पे मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था बट मैंने सोचा क्यों ना ये जो बातें हैं यहीं पर मैं आप लोगों को बता के चलूँ। इसके बारे में मैंने जितना कुछ सुना है ना यहाँ से तो ओके ओके लग रहा है, जब तक मैं यहाँ भी था ना तो इतना डर नहीं लग रहा था। तो उसके जो अंदर वाला पोर्शन था जो मैंने आप लोगों को दिखाया ऐसे खाचे खाचे बने थे वहाँ पे इतना डर लग रहा था। और मैंने इसके बारे में सुना है तो सच्ची बता रहा हूँ मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं अभी भी, इसके बारे में बहुत कुछ सुनने मिला। और यहाँ पे एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती है, यूपी में ऐसा बहुत सारे प्लेसेस है यहाँ पे भूतों का वास है, यही सारी चीज़ें। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हो रहा है इसीलिए मैंने ऊपर भी ज़्यादा टाइम नहीं रुका, चलो चलते हैं। तो ये प्लेस कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं हूँ यूपी में तो यहाँ पे जितने भी हॉन्टेड प्लेस है मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक खतरनाक प्लेसेस है। सो मैं वो सारे विजिट करने वाला हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना ये ब्लॉग कैसा लगा। तो ये ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।